हेलो दोस्तों, तो चलिए हम देखते हैं। हम एमपी स्पेशल जो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी से संबंधित अदर एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। तो ये पार्टों में आएगा। फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में और पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में। मध्य प्रदेश दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। आपको बता दें, पुनर्गठन हुआ इसका मतलब छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग कर दिया गया था, ठीक है, 2000 में। इस समय सीएम थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के नाम करें, नाम की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश नाम दिया था इसका। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही हिदर प्रदेश भी बोला था इसे। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा की बात करें तो हिंदी है। मध्य प्रदेश का पक्षी है दूधराज या साहे बुलबुल, इसे पैराडाइज फ्लाई केचर भी बोला जाता है। एमपी का पशु देखें तो बारह सिंगा है बेडरी जाति का, और एमपी का वृक्ष है बरगद। आपको बता दें, पक्षी, वृक्ष और पशु को 1 नवंबर 1981 को घोषित किया गया था मध्य प्रदेश की 25वीं वर्षगांठ पर। मध्य प्रदेश का पुष्प है सफेद लीली, और एमपी का खेल है मलखम जिसे 2013 में शामिल किया गया। एमपी का नाट है माछ, एमपी का नृत्य है राई, एमपी की फसल है सोयाबीन, एमपी की मछली जिसे दर्जा दिया गया है महासीर 2013 में घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का गान है मेरा मध्य प्रदेश, इसके रचनाकार हैं श्री श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव जी। मध्य प्रदेश के चिन्ह की बात करें तो चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त जिसमें गेहूं और धान की बालियां प्रदर्शित हैं। मध्य प्रदेश के उपनाम की बात कर लेते हैं तो इसे नदियों का मायका भी बोला जाता है, सोयाबीन प्रदेश बोला जाता है, हृदय प्रदेश बोला जाता है, कोहिनूर प्रदेश, लघु भारत, टाइगर स्टेट, सेंट्रल प्रोविनेंस, बरार भी बोला जाता है, इसके ये अन्य नाम है। मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मध्य प्रदेश में संभाग हैं 10, मध्य प्रदेश में जिले हैं 52। अभी 2018 की बात कर रहा हूँ। 52वां जिला बनाया निवाड़ी, जो टीकमगढ़ जिले से अलग हुआ है। आपको बता दें कि निवाड़ी में पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा पंचायतों को शामिल किया गया है, जो 10 अक्टूबर 2018 को बनाया। आपको बताया कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला अब निवाड़ी है। यहाँ बता दें हम कि फर्स्ट कलेक्टर हैं यहाँ के अक्षर सिंह, और पुलिस अधीक्षक हैं फर्स्ट मुकेश श्रीवास्तव। और 51वां जिला बना था आगर मालवा, जो शाजापुर से अलग हुआ था। एमपी की तहसील है 369। मध्य प्रदेश के विकास खंड है 313, आदिवासी विकास खंड है 89, नगर है 476, कुल ग्राम है 54,903, आबाद ग्राम है 52,117, नगर निगम है 16, नगर पालिकाएं हैं 98, नगर पंचायत हैं 263, ग्राम पंचायत हैं 23,006, जनपद पंचायत हैं 313, जिला पंचायत हैं 51, जोन आईजी पुलिस हैं 11, रेंज डीआईजी पुलिस हैं 15, कंट्रोल रूम है 53, पुलिस थाना है एमपी में 1035, पुलिस चौकियां हैं एमपी में 562, पुलिस उप संभाग हैं 179 एमपी में। एमपी में पुलिस जिले हैं 51। आपको बताएं, मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 हैं, जिनमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 4, अनुसूचित जनजाति के लिए हैं 6। राज्यसभा में सीटें हैं मध्य प्रदेश में 11। आपको बता दें यहाँ की राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और लोकसभा में भी सबसे ज्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा सीटों की बात करें तो 230 हैं यहाँ सीटें, और एक आरक्षित यहाँ, वो यहाँ एससी की बात, मतलब अनुसूचित जाति की बात करें तो 35 आरक्षित हैं यहाँ।
विधानसभा में। और अनुसूचित जनजाति की एसटी की बात करें तो 47 हैं, 47 आरक्षित हैं। आपको यहाँ बता दें कि सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर, और सबसे उत्तरी जिला है मध्य प्रदेश का मुरैना, और पश्चिमी जिला है अलीराजपुर, और पूर्वी जिला है सिंगरौली, और मध्य में सबसे है सागर एमपी में। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो ये जबलपुर में है। इसकी खंडपीठ है इंदौर और ग्वालियर में। आपको बता दें कि जबलपुर में ये हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय बनाया 2 जनवरी 1931 में। अभी इसके सीजी मुख्य न्यायाधीश हैं हेमंत गुप्ता। और आपको यहाँ बता दें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो दिल्ली में है 26 जनवरी 1950 में हुआ था। यहाँ के अभी जो करेंट में मुख्य न्यायाधीश हैं रंजन गोगोई जी हैं। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश में 10 लाख प्लस जनसंख्या वाले जिले हैं इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। आइए कुछ मध्य प्रदेश के प्रथम मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महिला सब देख लेते हैं। प्रथम तो एमपी के फर्स्ट राज्यपाल रहे हैं डॉक्टर पट्टाभि सीतारमैया जी। और अभी बता दें करंट में जो हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं मध्य प्रदेश की राज्यपाल। मुख्यमंत्री फर्स्ट मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, पहले मुख्यमंत्री पंडित रवि शंकर शुक्ल। आपको बता दें अभी 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी कमलनाथ जी, अभी चुने गए। विधानसभा फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष की, पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें मध्य प्रदेश में तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। वो पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष थे विष्णु बिनाकर सरवटी। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सुश्री सरला गेवाल। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुश्री उमा भारती जी। मध्य प्रदेश की प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश थी श्रीमती सरोजिनी सक्सेना। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य सचिव थे एच एम कामत। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती निर्मला बुच। मध्य प्रदेश की प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त एन बी लोहानी साहब थे। मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त टी एन श्रीवास्तव थे। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की बात करें तो पहले निदेशक थे बीपी दुबे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक की बात करें तो बीजी घाटे साहब थे। मध्य प्रदेश की पहली आईपीएस महिला अधिकारी आशा गोपालन थी। मध्य प्रदेश की प्रथम लोकायुक्त पीवी दीक्षित थे। मध्य प्रदेश के पहले राज्य योजना मंडल अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद्र सेट्टी थे। मध्य प्रदेश के पहले लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एमपीपीएससी डीबी रेड्डी थे। आपको बता दें कि अभी एमपीपीएससी अध्यक्ष भास्कर जी हैं, भास्कर चौबे जी हैं। और यूपीएससी के अभी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना साहब। मध्य प्रदेश के प्रथम प्रतिपक्ष नेता थे विष्णु नाथ तामस्कर। मध्य प्रदेश के पहली महिला विपक्ष नेता थी जमुना देवी। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा। आपको बताया मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल थी पहली राज्यपाल और उर्मिला सिंह जो हिमाचल प्रदेश की थी। आपको यहाँ बता दें श्री हरि विनायक पाटसकर ये सर्वाधिक समय के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। आपको यहाँ कुछ और बता दें आपको कि एमपी इलेक्शन कमीशन के भी चेयरमैन हैं आर परशुराम, और इंडिया के चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश रावत जी हैं। चलिए दोस्तों, अगर आपने अच्छी तरह से वीडियो देखा हो तो मेरे कुछ
प्रश्नों के आंसर जरूर दें। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा था? दूसरा है हमारा, मध्य प्रदेश गान के रचनाकार कौन है? तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का दक्षिणतम जिला कौन है? चौथा प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का निर्माण राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ था, कब हुआ था इसका गठन मध्य प्रदेश का? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? छठवा है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सातवा है, मध्य प्रदेश के कुल संभाग कितने हैं? अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड प्रारंभ किस अंक से होता है? और अगला है, मध्य प्रदेश में अभी करंट में संभाग कितने हैं और जिले कितने हैं? और एक क्वेश्चन और लास्ट है, जो मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे टोटल, वो भी बताना है। और लास्ट एक और देख लेते हैं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है मध्य प्रदेश में? अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखा है तो इन क्वेश्चनों के आंसर आप आराम से देख लेंगे। चलिए तो खत्म करते हैं, अगला लेक्चर सेकंड पार्ट, कल अगले लेक्चर में बात कर लेंगे।